गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्टेड स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 2। ये हम सीखेंगे। चलो, वंस आई सो अ लिटल बर्ड, यूनिट का नाम है। एक दिन मैंने एक छोटा पंखी देखा। सिंग एंड एंजॉय दिस पोयम। चलो ये पोयम हम पढ़ते हैं। वंस आई सो अ लिटल बर्ड, एक दिन मैंने एक छोटा पंखी देखा। कम होप ओप ओप, वो कूदता था। आई क्राइड लिटल बर्ड, होप का मतलब होता है कूदना, क्राइड का मतलब चिल्लाना, और लिटल का मतलब छोटा, और बर्ड का मतलब पंखी। और वो बच्चा चिल्लाने लगा और वो पंखी को कहता है कि तुम रुक जाओ। एक बच्चा को एक चिड़िया दिख गई और वो कहता है विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तुम रुक जाओ। आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, वो क्या, गोइंग मतलब जाना, वो विंडो के बाहर थी, और टू से हाउ डू यू डू, और वो बच्चा पूछ रहा है कि तुम कैसे उठ सकती हो, तुम कैसे कूद सकती हो। बट द सोक इज लिटल टेल एंड अवे द फ्ले फ्ले सो, परंतु, बट का मतलब परंतु, और वो के सोक का मतलब हिला कर, और टेल का मतलब पूछ। पंखी को, वो चिड़िया को पूछ तो नहीं होती, उसकी पाँख होती है, वो पीछे छोटी छोटी पूछ जैसी, और बच्चा उसको पूछ समझ बैठा है बड़ी, और वो पूछ हिला कर यहाँ विंडो के बाहर से उठ गई। चलो, इस तरह से पोयम दी गई थी। फिर न्यू वर्ड्स दिए हमें। बर्ड्स का मतलब पंखी, होप का मतलब कूदना, स्टॉप का मतलब ठहर जाना, टेल का मतलब पूछ, और विंडो का मतलब खिड़की। लेट्स रीड। द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो, वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज। इसमें क्या, पंखी विंडो के बाहर से उड़ जाता है, और स्टॉप कटिंग अ ट्री, वो ट्री पे, झाड़ पे, पेड़ पे रुक जाता है। चलो, रीडिंग इज अ फन। व्हाट डिड द चाइल्ड सी, एक बच्चा ने क्या देखा, तो इसमें आप लिख सकते हैं द चिल्ड्रन अ लिटल बर्ड्स। व्हाट वॉज द लिटल बर्ड डूइंग, वो क्या पूछ रहा था, तो इसमें हमें आगे देखा हाउ डू यू डू, वो क्या कर सकती है, ये लिखना है। लेट्स टॉक। डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस, क्या आपने कभी एनी बर्ड्स को देखा है, तो इसमें आप लिख सकते हैं यस, मैंने बर्ड्स को देखा है। हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम, और आपने उस तरह से अपने बर्ड्स के साथ बात की है, तो इसमें आप लिख सकते हैं लेट्स डू। जॉइन द लेटर फ्रॉम टू ए टू जेड। चलो, यहाँ पे ए टू जेड सुधी लेटर्स दिए गए, आपको ये पेंसिल के डॉट ज्वाइंट करने हैं, ओके, ये आपको होमवर्क में करना है। फिर ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन एंड द लेटर्स, नाउ कलर द स्टार्स। चलो, यहाँ पे हमें स्टार्स में लेटर्स दिए गए एम एन पी टी, इसमें आपको पेंसिल के साथ ज्वाइंट करना है। से दिस वर्ड्स अलाउड एंड टॉक अबाउट द पिक्चर, थेन ट्विक एंड राइट कलर्स। चलो, यहाँ पे हमें एन लेटर्स दिए गए हैं ऊपर, और इसमें आपको ये पिक्चर में देख कर यहाँ पे उसमें करना है राइट कलर, ओके। चलो, द रूफ इज पिंक या ब्लू, ये रूफ मतलब ऊपर जो ये पीले रंग का बड़ा बड़ा दिख रहे हैं छत जैसा, उसको रूफ कहते हैं। तो ये किस रंग का है, तो पिंक, तो उसमें आपको पिंक पर पिंक कलर करना है। फिर द वॉल्स आर येल्लो या रेड, वॉल ये दीवार किस कलर की दिख रही है, तो येल्लो, इसमें आपको पीला रंग करना है। द विंडोज आर ग्रीन या ब्राउन, चलो विंडोज किस तरह कलर की है, तो ब्राउन कलर की, यहाँ पे आपको ब्राउन करना है। द डोर इज ब्लू या ग्रे, चलो दरवाज़ा किस कलर का है, ब्लू कलर का, तो इसमें हमें ब्लू करना है। द डस्टबिन इज पिंक या ग्रीन, डस्टबिन किस कलर की है, पिंक कलर की, तो इसमें हमें पिंक करना है। द प्लांट्स आर ग्रीन या ऑरेंज, प्लांट्स यहाँ पे आगे छोड़ दिख रहे हैं, वो कैसे है, हरे रंग के, तो इसमें ग्रीन। चलो, द प्लांट्स आर ग्रीन, चलो इसमें ग्रीन कलर करना है। द फ्लोर इज ग्रे या ब्राउन, फ्लोर का मतलब जो नीचे हमें ग्रे कलर का दिख रहा है उसको फ्लोर्स कहते हैं, तो एक
ग्रे कलर का ही, तो इसमें आपको ग्रे कलर करना है। चलो फिर नेक्स्ट। चलो यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी गई है, मिट्टू एंड द येल्लो मैंगो। मिट्टू एंड द येल्लो मैंगो, एक येलो का मतलब पीला, मैंगो का मतलब आम, और मिट्टू एक बर्ड्स का नाम है। चलो लिसन एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। चलो मिट्टू वॉज अ पेरोट, मिट्टू क्या था, एक पेरोट मतलब तोता था। अ ग्रीन पेरोट विथ अ रेड बेक, बेक का मतलब चांच, ग्रीन का मतलब हरा। एक हरा रंग का तोता था और उसके साथ उसको एक रेड बेक मतलब लाल कलर की चांच थी। वन डे मिट्टू वॉज फ्लाइंग, एक दिन मिट्टू उड़ रहा था, फ्लाइंग का मतलब उड़ रहा था। ही लव्ड टू फ्लाई, उसको बहुत उड़ना पसंद था, लव का मतलब पसंद था। ही लुक्ड डाउन, एक दिन और वो एक नीचे देख रहा है, लुक्ड डाउन मतलब नीचे देख रहा है। ही सो अ बिग येल्लो मैंगो ऑन अ ट्री, और उसने देखा और उसने यहाँ पेड़ पे एक येलो मतलब पीला रंग का आम देखा, ऑन अ ट्री इस पेड़ पे। मिट्टू लाइक मैंगोस, मिट्टू को लाइक मतलब बहुत पसंद, उसको मैंगोस बहुत पसंद थी। आई वॉन्ट टू ईट दैट येल्लो मैंगो, वो मन में सोचता है, हम कैसे मन में सोचते हैं मुझे ये करना है, वो मिट्टू सोचता है मुझे ये ईट का मतलब खाना, मुझे मैंगो खाना है। ही सेड, वो बोलता है। ही फ्ले डाउन टू द ट्री, और फ्ले मतलब वो उड़कर उस ट्री के पास जाता है, वो पेड़ के पास। काउ काउ गो अवे, वहाँ पे क्रो मतलब एक कौवा था और वो उसकी भाषा में काउ काउ बोलकर मिट्टू को कहता है गो अवे, गो अवे का मतलब तुम यहाँ से जाओ। दिस इज माई ट्री सेड अ वॉइस, वो कौवा बोलता है कि ये मेरा पेड़ है, सेड बड़े आवाज से। मिट्टू लुक्ड अप, मिट्टू उसको देखने लगा, लुक्ड अप मतलब उसको देखने लगा। ही सो अ बिग ब्लैक क्रो काउ काउ गो गो, वो कैसा दिखने में थे, बड़ा और ब्लैक मतलब काला कौवा था, और काउ काउ और गो गो बोलता था, गो मतलब जाओ तुम। द क्राउ सूटेड, ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस, वो कौवा बहुत बड़ी आवाज़ से बोला, वेरी लाउड मतलब तेज़ आवाज़ थी उसकी। मिट्टू वॉज अफ्रेड ऑफ क्रो, ही फ्लाई अवे, अफ्रेड का मतलब डर जाना, मिट्टू उस कौवा से डर गया और उड़ गया। मिट्टू सो अ रेड बलून इट वॉज अंडर अ ट्री, फिर मिट्टू यहाँ से उठकर एक दिन एक पेड़ के पास गया और पेड़ के नीचे उसने एक बलून्स मतलब एक गुब्बारा देखा। ही हैड एन आइडिया, उसको विचार आया, आइडिया आया। ही पिक्ड अप द रेड बलून, ही वॉज केयरफुल नॉट टू ब्रस्ट, फिर उसने पिक्ड अप उसकी चाच चाच पे उस बलून को ले लिया, उस गुब्बारे को ले लिया और केयरफुल बरोबर ध्यान से नॉट टू ब्रस्ट, वो ब्रस्ट का मतलब वो फूट ना जाए, इस तरह से उसने बहुत ध्यान से उसको अपनी चाच पर ले लिया। ही फ्लॉट टू द मैंगो ट्री, और वो फ्लाई मतलब उड़कर उस मैंगो ट्री के पास चला गया। द क्राउ वो सिटिंग ऑन द ट्री, क्रो कहाँ बैठा था, वो यहाँ पेड़ के डाल पर बैठा था। मिट्टू वेंट बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड का मतलब पीछे से, मिट्टू पीछे से झाड़ के पीछे छुपके से यहाँ पे बलून को लेकर खड़ा था। ही पिक्ड द बलून विथ हिज रेड बेक, पॉप द बलून ब्रस्ट इफ मेड अ लाउड नॉइस, फिर मिट्टू ने उसकी चांच में पिक्ड था मतलब उसकी चांच पर बलून को ले लिया और पॉप मतलब ये बलून को उसकी चार्ज पे लेकर फोड़ दिया, तो जैसे उस बलून फूटा तो एकदम आवाज़ आया पॉप, द बलून बर्स्ट, बलून एकदम फूट गया, बड़े आवाज़ आई, लाउड नॉइस बड़ी बड़ी आवाज़ आई। काउ सेड द क्रो, काउ बोला, उसको काउ काउ करने लगा, सेड मतलब बोला, काउ काउ बोलने लगा। एंड ही फेल ऑफ द ट्री काउ काउ काउ, अ बिग गन इज आफ्टर मी, काऊ को लगा कि मुझे एक पेड़ पर कोई बिग गन मतलब बड़ी बंदूक।
मुझे कोई अपसेट द क्राउ ही फ्लाई अवे, मुझे कोई यहाँ पे मेरे पर वार करने आया है, फिर कौआ यहाँ से उड़ गया, ही नेवर कम बैक टू द ट्री। फिर वहाँ से वो उड़ गया और एकदम डर गया और यहाँ से उड़कर चला गया। मिट्टू कम टू द ट्री, ही एट द बिग येलो मैंगो। फिर मिट्टू उस ट्री पर बैठ गया, कम मतलब आ गया और यहाँ पे बैठ गया और ये येलो मैंगो पीले रंग का आम खाने लगा। यमी 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 करने लगा, ये तो बहुत मस्त है। व्हाट अ नाइस मैंगो, ही सेड ही वॉज वेरी हैप्पी क्लेवर मिट्टू। फिर वो हैप्पी खुश हो गया, उसको यहाँ मिल गया, उसको खाना था ना भाग्य हमने देखा था तो, और खुश हो गया। क्लेवर का मतलब चतुर, वो तोता कैसा था, चतुर। मिट्टू बहुत चतुर निकला, उसने अपनी दिमाग से काम लिया और ये उसने मैंगो खा लिया। चलो कैसे लगी स्टोरी आपको, चलो न्यू वर्ड्स देखते हैं। ब्लैक का मतलब काला, क्रो का मतलब कुआ, मैंगो का मतलब आम, पैरट का मतलब तोता। लेट्स रीड। आई लाइक ईटिंग अ मैंगो, क्या आप पसंद करते हैं मैंगो? यस आई लाइक अ मैंगो। आई लाइक फीडिंग अ क्रो, क्या फीडिंग मतलब एक कुआ को, क्रो मतलब कुआ को पसंद करते हैं, इसमें लिखना है आपको। रीडिंग इज फन, व्हाट डिड मिट्टू सी ऑन द ट्री, मिट्टू ने ट्री पर क्या देखा था, तो इसमें आप लगते हैं मिट्टू सी ऑन द ट्री अ मैंगो। व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से, बिग ब्लैक क्रो, क्रो ने मिट्टू से क्या बात की, तो इसमें आप लिख सकते हैं व्हाट डिड मिट्टू सी अंडर द ट्री। अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे मिट्टू ने क्या देखा था, मिट्टूस अंडर सी अंडर द ट्री बलून्स। लेट्स टॉक, डू यू लाइक ईटिंग मैंगोस, क्या मैंगोस पसंद करते हैं, तो इसमें आपको लिखना है यस आई लाइक ईटिंग अ मैंगो, मुझे मैंगो खाना बहुत पसंद है। डू यू लाइक ग्रीन मैंगोस और वाई, क्या आप ग्रीन मैंगो पसंद करते हैं और क्यों, तो इस पसंद करते हैं तो इसमें आप लिखना है यस और नहीं करते हो तो नो। ग्रीन मैंगो कैसी होती है, वो कच्ची होती है थोड़ी। फिर येलो मैंगो, यहाँ पे डू यू लाइक येलो मैंगोस, फिर येलो मैंगो आप पसंद करते हैं और क्यों, तो इसमें लिखना है क्योंकि वो मीठी होती है, तो आई लाइक येलो मैंगोस और मीठी होती है इसलिए वो स्वीट्स, स्वीट्स मैंगो। चलो नेक्स्ट, लेट्स से कलर द चिली रेड एंड द पैरट इन द कलर ऑफ योर चॉइस। चलो चिली यहाँ पे दी गई है और ये पैरट दिया गया, इस पैरट में आपको कलर करना है और चूज़ करना है। चलो पैरट्स को मिर्ची बहुत पसंद होती है, यहाँ पे एक मिर्ची है, यहाँ पे रेड कलर की दी, तो इसमें आपको पैरट पे कलर करना है और चिली पे भी करना है। फिर यहाँ पे एक पोयम दी गई है, आपको पढ़नी है। पैरट विथ अ रेड बैग, कैन यू रियली स्पीक, मिट्टू 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 ट्रेस द पाथ ऑफ द लेडी बर्ड्स। चलो यहाँ पे एक लेडी बर्ड्स दिया गया, उसका आपको पेंसिल के साइड ज्वाइंट करना है। फिर मैच द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स टू द ट्रेस द ग्राउंड ऑन। चलो यहाँ पे फ्रूट्स दिए गए हैं और यहाँ पे ट्रीज दिए गए हैं, जो भी फ्रूट्स किस पेड़ में आता है उसका आपको इसके साइड ज्वाइंट करना है। तो बनाना, तो यहाँ पे हमारा बनाना ट्री है, उसको यहाँ पे बनाना के साथ ज्वाइंट करना है। फिर कोकोनट्स, जो कोकोनट्स का भी ट्री है यहाँ पे, तो उसको इसके साथ ज्वाइंट करना है। फिर एप्पल्स ट्री, तो इसको एप्पल्स के साथ। फिर मैंगोस ट्री, तो यहाँ पे मैंगोस ट्री है। और ग्रेप्स, तो लास्ट में दिखा आपको ये जो बड़ा डंडी वाला है, ग्रेप नाइट ये लिखा है, उसको आपको इसके साथ ज्वाइंट करना है। ये आपको घर पर करना है होमवर्क पे, ओके। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी, लर्न टू राइट। चलो ड्रॉ ओवर द डॉटेड लाइन। चलो यहाँ पे दो तबले दिए गए हैं, उसमें जहाँ पे आपको डॉट दिखाई दे रहा है उसका आपको पेंसिल के साथ ज्वाइंट करना है। और से लाउड, ये आपको बड़े बड़े आवाज़ से सभी वर्ड्स बोलने हैं। चलो मैं एक दो बोल देती हूँ, बेट बेट बाइट डॉट बॉन्ड, इस तरह से आपको ये सब बोलने हैं। चूज अ लेटर फ्रॉम द बॉक्स एंड द कम्प्लीट द वर्ड्स बिलो। चलो यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं और इसमें आपको ये ढूंढ कर यहाँ पे लिखना है। तो सीट, तो एस आई टी। फिर क्या है, पिक, तो यहाँ पे ई आएगा पिक। फिर बिग, तो यहाँ पे आई बी आई जी बिग। फिर क्या है, डॉट, तो यहाँ पे डी
ओ टी तो यहाँ पे ओ, फिर सन तो SUN तो यहाँ पे यू करना है, फिर क्या है देखता फन तो FUN यहाँ पे भी यू करना है, फिर लेग तो यहाँ पे आपको ए करना है, फिर क्या है सीट तो यहाँ पे आपको आई करना है, फिर क्या है लेट तो यहाँ पे आपको ए करना है, फिर बन तो यहाँ पे आपको यू करना है। चलो इस तरह से आपको ये सब होमवर्क में करना है और सीखना है। चलो थैंक यू।